बीजेपी ने अपनी पहली लोकसभा उम्मीदवारों की सूची में गुना लोकसभा सीट से सिंधिया के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस का चेहरा कौन होगा इसको लेकर अब तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। गुना सीट पर सिंधिया के नाम के ऐलान के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान आया था कि सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का योद्धा तय हो चुका है। पटवारी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गुना में कहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सिंधिया को हराने वाले केपी यादव की तरह ही इस बार कोई योद्धा सिंधिया के खिलाफ चुनाव मैदान में होगा। ज्योतिराय सिंधिया जी की छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे मिलकर नई कहानी। अब वो बीजेपी के नेता है, उनपे बात भी करना और उनपे कोई ऐसी भाषा भी बोलना, भगवान उनका भला करे, पर इस बार भी केपी यादव जैसे ही कोई अच्छा योद्धा आएगा और बाकी समझ जाओ आप धूल चटाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर अरुण यादव के सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ने के संकेत मिले हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और अरुण यादव के करीबी रवि सक्सेना ने एक्स पर लिखा है कि सिंधिया के खिलाफ अरुण यादव ताल ठोकेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय अरुण यादव जी ने घोषणा की है, यदि कांग्रेस पार्टी मुझे गुना लोकसभा से प्रत्याशी बनाती है तो मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ ताल ठोकूंगा और उन्हें पराजित करके रहूंगा। क्योंकि जिन लोगों ने भी कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी की है उनका पराभव होना निश्चित है और मैं इस कार्य के लिए प्रतिबद्ध हूं, कटिबद्ध हूं। गुना लोकसभा सीट दरअसल सिंधिया के राजघराने के कब्जे वाली सीट रही है। गुना लोकसभा सीट से सिंधिया जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में सिंधिया ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी ने केपी यादव को चुनाव मैदान में उतारा था। केपी यादव ने सिंधिया को चुनाव में शिकस्त दी और सांसद बने, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने केपी यादव का टिकट काटकर सिंधिया को चुनाव मैदान में उतारा है। ऐसे में कांग्रेस किसी चेहरे की तलाश में है जो गुना लोकसभा सीट पर सिंधिया को टक्कर दे सके, और अब इसमें सबसे ऊपर नाम कांग्रेस के सीनियर लीडर अरुण यादव का आया है। 2018 विधानसभा चुनाव में अरुण यादव ने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चुनाव लड़ा था और चर्चा में रहे थे। हालांकि पार्टी ने अभी लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन यदि अरुण यादव गुना लोकसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार होते हैं तो यहां चुनाव दिलचस्प होगा। लोकमत के लिए अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।